हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बोट के EC242 ईयरफोन के बारे में, जो कि फ्रेंड्स बिल्ड क्वालिटी में तो नो डाउट बहुत ही तगड़ा है और इसका आवाज भी बहुत ही तगड़ा है। अगर आप बेस लवर हो तो फ्रेंड्स इससे अच्छा आपको ऑप्शन कोई नहीं मिलेगा, लेकिन ये 600 रूपए इसके लिए आपको स्पेंड करना पड़ेगा। फ्रेंड्स इसके साथ आपको एक पाउच देखने को मिल जाता है, जो कि अभी नहीं है मेरे पास, ये अभी एक साल पुराना है। फ्रेंड्स मैं इसको एक साल से यूज कर रहा हूँ, तो ये अभी है घर पे ही, पता नहीं किधर है। और फ्रेंड्स यहाँ पर एक वायर ऑर्गेनाइजर लगाया हूँ, रियलमी का है। लेकिन फ्रेंड्स ये वायर का केबल बहुत ही तगड़ा है और ये ट्रांसपेरेंट है और ये कुछ ग्रीन कलर में है। फ्रेंड्स इसमें अंदर देखिएगा आप तो एक डिजाइन सा बना हुआ है, जो कि एक अच्छा फील देता है। और यहाँ पर आपको बोट का लोगो देखने को मिल जाता है। और फ्रेंड्स प्रीमियम तो बहुत ही है, आप लगाइएगा तो नहीं फील होगा कि ये कोई चीप क्वालिटी का है। फ्रेंड्स चीप क्वालिटी का है भी नहीं, क्योंकि ये 600 रूपये का है और ये आपको सेल के दौरान ये आपको पड़ जाएगा करीब 200-300 रूपये के करीब। मतलब मैंने सेल के करीब इसको लिया था 200 में। आप देख लेना, आपको बैंक ऑफर लगा के शायद सस्ता पड़ जाए इससे भी। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बात करें तो यहाँ पर आपको प्ले पॉज के लिए बटन दिया हुआ है और ये वॉल्यूम के लिए, और यहाँ पर वॉल्यूम प्लस है और वॉल्यूम माइनस, यहाँ से आप बहुत चीज कंट्रोल कर सकते हो। फ्रेंड्स यहाँ से कॉल भी कट हो सकता है। और यहाँ पर देखे तो आपको माइक दिया हुआ है और यहाँ पर आपको बोट का ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है, जो कि एक साल यूज करते हुए हो गया। फ्रेंड्स तो ये पूरा इसका बोट का ब्रांडिंग मिट चुका है और यहाँ पर आपको जो देखने को मिल सकता है फ्रेंड्स, ये आपको रबड़ देखने को मिल जाता है, जो कि कान में ऐसे लग के होल्ड करता है। ऐसे देखिए फंस गई, जैसे ये दूसरे में है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ऐसे लगाने पे ये इसको अंदर चला जाता है, जो कि आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स इससे क्या होता है कि ये सेपरेटली उसमें अटक जाता है, निकलता नहीं है, और आप चाहे तो इसको बाहर कर सकते हैं। अगर आपको ये बहुत लोगों के कान में ये दर्द देने लगता है ज्यादा देर होने की वजह से, तो आप निकाल भी सकते हो, लेकिन इसका लुक उतना अच्छा नहीं लगेगा निकालने के बाद। शायद लुक निकालने के बाद तो अच्छा नहीं लगेगा फ्रेंड्स, लेकिन आवाज इसमें बहुत ही तगड़ा है, जो कि आप सुन सकते हो। और यहाँ पर फ्रेंड्स को एक साल हो गया, लेकिन यहाँ पर कोई भी कट वगैरह नहीं देखने को मिला है, जो कि मैं इसको बहुत ही ज्यादा रफ टफ यूज करता हूँ। देखिए यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर इसका पेंट भी उड़ चुका है। मैं इतना इसको अच्छे से नहीं रखता हूँ, तब भी इसको इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ अभी तक। फ्रेंड्स अगर यही था हमारा रिव्यू वीडियो, और बेस तो फ्रेंड्स बताया ही है आपको, बेस में इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, बेस बहुत ही तगड़ा है। और म्यूजिक के लिए अगर ले रहे हो और गेमिंग वगैरह के लिए ले रहे हो, तो फ्रेंड्स इससे अच्छा आपको ईयरफोन देखने को नहीं मिलेगा। इसका माइक का भी आवाज बहुत ही तगड़ा है। फ्रेंड्स अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए।